जय हो जय हो जय देवताओं, आज तुम्हारे द्वारा अमरावत में जो जयघोष की जा रही है ये आत्मा को बड़ी ही आनंदित करती है। इसका संबंध सीधा हृदय से है। यदि कोई जयघोष करता है, मैं भी इसी के परिप्रेक्ष्य में कहना ये चाहता हूं, हाँ, जिसकी कृपा से ये राज और ये ताज पाता हूं, उस ईश को अपना मस्तक छुपाता हूं। हाँ, चलते हुए क्रम में इंद्र जी के अभिनय पर राजा परम सौभाग्यशाली होता है। अवश्य ये आज से नहीं, ये नियम पूर्व से है। बजे ताली युगल कर से, नियम यही सदा से है। यदि ये प्यारी प्रजा इस राजा से है तो राजा भी इस राजा और प्रजा का बड़ा ही गहन संबंध है। यदि प्रजा राजा को पिता मानती है तो राजा का दायित्व बनता है कि प्रजा को पुत्रवत देखे। अब देखो पिता कैसे पुत्र का पालन करता है ये तुम जानते हो, अन्यथा नहीं, ये सत्यता है। अब हम ले चलते हैं अपने देवताओं की ओर। ये भी तो बात है, ये गंधर्व बैठे हैं, संगीत संगीत का विशेष महत्व जीवन में है। जो मन को जीत ले उसे संगीत कहते हैं। संगीत का महत्व यहां से नहीं, ईश्वर से मिलता है, किसी के बस की बात नहीं। इसलिए 64 कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला संगीत कला मानी जाती है। तो संगीत का माध्यम लेकर के सुंदर श्योक राजनीति को बुलाया जाए और दरबार सजाया जाए। अवश्य महाराज, सभी देवताओं का संकेत चारों दिशाओं से हो रहा है। मेनका उर्वशी, खुश रहो खुश रहो, जाओ। लेकिन राजनीति अमरावती है, यहाँ अप्सराएं सदैव आती रहती है। वो राग जमे, वो रंग जमे, ये महफिल सारी जम जाए। जिंदाओं की बात क्या, मुर्दाओं की बत्ती सी फल जाए। सुनाओ कोई सुंदर तराना जिससे सबका दिल हो जाए मस्ताना। दरबार में छोटी सी गजल, उसी जालू ने प्यारी जता के और गम के हवाले, गम के हवाले छोड़ दिया। उसी जालू ने
और इस रावण का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो हम देवताओं का क्या होगा महाराज? देवताओं, ये कैसा समाचार? राम का अवतार तो धर्म का अवतार हो रहा है, धर्म का अवतार हुआ है, लेकिन राम राजा हो गए तो सभी देवता पीड़ित हैं। ये सत्य है तुम्हारा समाचार, तो बड़ा कष्ट है। और ये कष्ट के समय में आज ऐसा लगता है इसका निदान कैसे होगा? जानते हो, उस रावण ने तो घोषणा की है कि कभी भी धर्म को हम आने भी नहीं देंगे, अधर्म का ही राज रहेगा। अवश्य इससे हमें बड़ा कष्ट है, तो इस समय माता सरस्वती का आह्वान किया जाए, क्यों तो वही सहायक है मेरे लिए। अवश्य सारद बोली बिनय सुर करही बारही बार पाए पर माता। अवश्य सुने, क्यों आज ऐसा कष्ट है रावण के द्वारा? कितने सभी को आदेश दिए उसने अपने सैनिकों को, दिज भोजन मखौम सराधा सबके जाय करो तुम बाधा, सकल धर्म देखे विपरीता और कहे न सके रावण जय जय देश भेद दिज पावो और नगर गांव पुर आप। जब इतना अत्याचार बढ़ा तभी तो कहा था जंडर को वो देखो सरस्वती आपकी जय हो, आपने महती कृपा की है, निवेदन को स्वीकार किया। माता देवताओं का कष्ट दूर करें, बड़ी विपत्ति का समय। कहें देवता क्या विपत्ति है? माता विपत्ति हमार बिलोक बड़ मात करें सो आज राम जाए चले जाए, वो नहीं महलों में नहीं, राम जाए बनराज तज होए शकल। हे माता सारे देवताओं के काज सफल हो जाएंगे, हमारे भाग्य उदय हो जाएंगे यदि राम राजा ना होकर के वन को चले जाए। अच्छा, आपकी इच्छा है कि भगवान राम राजा ना बने, वनवास चले जाए? आप सब जानती हैं माता उनका स्वभाव कैसा है। ठीक है, जब पुत्र की इच्छा है तो अवश्य आपका कुल कार्य होगा। जय हो। बोलिए सरस्वती मैया की जय हो। आते नीच कर दूती ऊंचे निवास नीच कर दूती देवी सकलेना पराई विभूति इस संसार में राजाओं के विचार बहुत ऊंचे हैं, लेकिन करतूत बहुत नीचे। पर क्या करें, आदेश है, आज्ञा का पालन करती हूँ, चलती हूँ। चल मेरी माया कई हृदय तस्वीर आई जल गए तथा जाके मंत्रा के जाके बैठती हूँ और उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करती हूँ। नाम मंथरा मंदिमती चेरी के कई केर अजस पिटारी ताह कर गई गिरामती थे। चल मेरी माया कहीं धूम नहीं छाया। देखी मंथरा नगरी बना Thank you.
गैया एलियो, आज मैं क्या देख रही हूँ? हाय मेरी मैया, अरे गैया कैसी कैसी लाइटें जगजगा रही। एलियो झंडे पताके लहरा रहे। हाय मेरी मैया, घर घर बंधन वाले बने हैं, द्वारन द्वारन सोबलन कलश धरे हैं, झंडे पताके लहरा रहे। एलियो ओ मेरी मज्जा, टेंट उतनो। हाय वरे का हो रहा हूं आज, का नहीं हो रहा, जहां देखती हूं तहां बंगे बिटिंग। एलियो नए नए वस्त्र पहरे, बंगे सोलो श्रृंगार करें। यहां देखो आज गज्जा लड़का बच्चा सफरे खोरे सेंट ताने फिर रहे, के जाऊं ढोलकियां टुनटुना रही तो के जाऊं पिनपिनियां पिनपना रही। समझ में नहीं आ रही कि हम सो रही के जग रही, के कोनो सपनों देख रही के हम साक्षात देख रही। आज तो मेरी अवध नगरिया, हाय बहन ऐसे सज गई जैसे गोने वाली दुल्हन सज गई। जरूर कछु ना कछु कारण है, वैसे बंग में आ जाती देखो तब बैठी बहू मेलियो वाली, चाहे अब आ जाती मौसी आज जो त्योहार है, आज जो हो रहा हूं को हमें जो नहीं बता रहा हूं कि आज कौन त्योहार है। यह सोच रहे बहू आज करवा चौथ, वो हमने दो बार रोटी पर रेट ली के आज करवा चौथ पर गई कह कर लू आठ है के माँ लक्ष्मी। समझ में नहीं आ रही कि आज का हो रहा हूं का नहीं हो रहा हूं, का हो रहा हूं, अरे का हो रहा हूं, का हो रहा हूं, का हो रहा हूं आज, अरे का हो रहा हूं, अरे आज नगरिया मेरी का भोलन चाहत चुकैया मेरी का।
तेरे कौन हम छुकरी का फोड़ दे आज कोनो बंगे बिटिया नहीं आ रही के मौसी आज जो हो रहा अगर हम काउ से पूछे तो कहो जो कह ले मंथरा सटी आ गई क्योंकि मेरा नाम है मंथरा और मैं महलों की दासी हाय कायला बछोड़ना वाले ओ डॉक्टर हम तो जा सोच रहे हैं ये भगवान कौन से पूछ ले काउ से पूछे को कह ले बड़ा पी बेरा तुम जो सटा गई हैं काय को थबा गई तुम मेहरन की दासी और तुम्हें पतो नहीं बात से हमें कोई पता नहीं है कि आज का हो रहा हो का नहीं हो रहा समझ ही में नहीं आ रही हम का करें का ना करें हैं मेरा नाम है मंथरा चलो हम पूछ ले रहे पूछे से लोगन का है वो छाहू हेलो अब 20 रुपया कालाला फकीरे मौसी देखो ये फकीरे हैं ये भी कलाकार हैं हमारे साथ के जैसे हमारे दशरथ कुशवाहा जी जो दशरथ की बहुत सुंदर अभिनेता हैं साथ में हमारे आलंडर ये फकीरे खां पछोबई निवासी देखो वाह ये 20 कालाला बुढ़ापे मेरा 20 ही फीस है हमारी पहले तो हम 100-100 के देती आज पतो परो हमें के बुढ़ापे में फीस कम जात हाय दज्जा कायला पटेल मौसी तुम हमें जातो बता बेटा जज खाली पहले जा में डालो हमें जो लग रही हां बताओ कि जब से हमने जो देखो तुम्हारो को बेटा मेरे मन में ऐसे हो रही दिल में कुचर मुचर अच्छा हमारी छाती हो रही टका टून ऐसा दिल धड़क रहा बेटा हाँ। हम तुम्हें का बताए तुम हमें जा बचाओ हाँ बस ये झंडे पता के लहरा रहे कैसी रंग बिरंगी पतलनिया लहरा रही घर घर सोबरन कलश धरे द्वारन द्वारन बंधन वाले बंधे गलियों में अतर छलकाए गए का बेटा आज का हो रहा मौसी आज राम को राजा बनाया जा रहा है राम तिलक सुभा और कौन को हो रहा कौन को कौशल्यानंदन राम को राजा बनाया जा रहा है राम राजा हो रहा है हाँ राम राजा हो रहा है हाँ हो रहा है राम राजा हो रहा है राम राजा हो रहा है बिल्कुल हो रहा है राम राजा हो रहा है तेरे खटरी के हार हो रहे खटरी बनाओ नो धुआं सलगानो मार मुलाकी कुल अच्छी हो जब देखो जब मौसी राम राजा हो रहा है राम राजा हो रहा है तेरे खटरी के हार हो रहे राम राजा हो रहे बंगो बिटिया हो लड़कन की बात पे विश्वास कम करो करे आजकल ये मुकदमाबाजी का चल रही ज्यादा वकीलन को बिना तनख्वाह को धंधो चल रहा काय के जरा जरा सी बात सुनने बच्चन की विवेक नहीं करे जो झूठी है के सही है चलेंगे तो करेंगे लड़ बैठे लड़ाई भाई जब बच्चा से बयान पूछे बच्चा बोले मम्मी हम तो झूठी कह दे इसलिए विचार करना चाहिए चलो पंडित जी ने जाने पत्रा में दिखवाए लड़का की बात झूठी ना कर जाए का व्यास महाराज कहो का बात है हमने आज तक नहीं कही का बात है हेलो तो तुम काय को आई जाता बताओ का बात है देख लो हेलो हाँ महाराज हाँ बताओ आज हम पहली बार आई और तुम कह रही कैसी भगत आई और तुम हमने वाउते हमने कभी नहीं कही कि तुम कैसी भगत आई तो हम तो अपने काम से जाते सही बात है भाई ब्राह्मण का काम है चूल्हा मांगो हाँ है और हमारा काम है खुलवाओ का खुलवाओ पत्रा पत्र ऐसे ही खुल जात पंडित को और बाबा चढ़ौती लगाई हाय महाराज हमारी जिंदगी कल गई आज तक खुला को मौका ही नहीं मिलो जैसे तैसे मन भाव के हम खुलवाया ऐसे पैसा लग रहे का बताएं हम का ना बताएं अब कौन से कह दे का करे महलन की दासी है बड़े घर की बड़ी ढोल की पोल हो हैं अब फटकर रोजगारी दुकान रखती हम सो बेऊ मोड़ी मोड़ा ले गए अब रूपंदन की बल्दी हो गई कछु पुराने रहे से वे चल नहीं रहे हमारी बटमना है कायला दशरथ भगवान ने सब कछु दौ तुम्हें
सोने की लंका है तुम्हें कमी का है, है? जब पंडित की पत्र खुलाई तो दे दो है? और वे प्रधान जी चले गए कहा हमारे श्यामरा वाले हाय गज्जा देखो तो अब भी आ जा में जल मुर्गी पनडुब्बी है तो आदमी ऐसे रुपचा दे डरा फैला फैला कर और ब्राह्मण के लाने ऐसे बैठ गए महाराज ऐसो नन्या के कोई भक्त ना हो काबज्जा दक्षिणा के लाने कोई नहीं दिखा रहा सतीश नेता है कलन्या चले गए ये बड़ी बड़ी टोले जल्दी का सो जाती अब क्या करे हम तो टुकारी गए हम तो रात भर जगती दोपहरिया में सो जाती बस देख लो काय बहु मेलुआ वाली अरे ब्राह्मण के लाने तो देख लगी है देख लो महाराज बड़ी बिटमना है भज्जा फूटी आंख विवेक की का करें जगदीश रामकली के 300 रामदास को 30 हेलो हाँ चलती राजपूत लल्ला सोवाई रामीला अध्यक्ष साहब हमारे मूलचंद राजपूत अंगाव नहीं है लिया हमें देने महाराज को कहा हमें क्या करने जासन हम तो बूढ़ी पुरानी है हमें कहा है जब पैसा की कमी पा रहे सो बार उखाड़ के बेची आए भाई दुकानदार के लिए पैसे फिक्र है जाओ सफेद तो और मिलेंगे बिखर हाँ 21 रुपया हमारे दशरथ कुशवाहा ग्राम निवासी पचो भाई दशानन अपने तो 5 रुपया का दर्जे से पंडित को नहीं कहे वे हमारे अलग है लो महाराज मुलू लल्ला कहाँ है मुलू लल्ला तभी देखो कहाँ है कहाँ है लल्ला है लल्ला को ठीक महाराज अब क्या कर आप पेप्सी वाली चाची आ मक्के झूला जो लेकर आई है वाह बहुत बहुत धन्यवाद है 20 रुपया अब महाराज हो अब दक्षिणा जितनी मिल गई सो मिल गई कोरो पत्रा तो नहीं खोलो और बात से कोरो नहीं खोलने चाहिए अब महाराज रही बात सीधे की ब्राह्मण को सीधो चाहिए महाराज हम इतनो सीधो ने तुम्हें हेलो 101 रुपया हमारे रामलीला का की हाँ। सीधो तुम्हें हम ऐसो ने आज तक कहूँ ब्राह्मण को दौड़ना होगी कम से कम 4 बोरा चून को चलो सन रखो हम तुम्हें मस्को बांध दे बॉबी मस्को बांधो राजन की दासी हो जाकर कहाँ देती मस्को देती सीधो तो सुनो ये आप अयोध्या सजी देख रही हैं है और चारों तरफ जो जगह-जगह लाइट लगी है इसकी खुशी में आज महाराज दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम जी को युवराज पद देने जा रहे हैं उसकी खुशी में ये सब नरनारी सजे हुए हैं कलर धरे हैं सुवर्ण और उसकी खुशी मन रही है कि राम जी राजा बनने जा रहे हैं तो ये बात सही है हाँ बिल्कुल सही है जहाँ पूछती हूँ तहाँ राम राजा हो रहे राम राजा हो रहे मेरा नाम है मंथरा मैं ऐसी वैसी मंथरा नहीं हूँ हम वो मंथरा हैं जिसके घर में घुस जाती हूँ एक एक की जगह दो दो चूल्हे भरवा देती हूँ रोजीना दुकानदार को उल्लू बनाऊती एक रुपया में 3 अठन्नी भजाऊती आज मैं ये शुभ कार्य कभी नहीं होने दूंगी कर ही विचार कुबुद्धि कुजाती ओ अकाज कवन पिजराती ये शुभ कार्य में मैं अकाज कर दूंगी ऐसा फांसा फेंकूंगी कि दिन को भी रात कर दूंगी राम राजा हो रहे चलती हूँ महारानी केके के पास कैसे राम राजा हो रहे अब देखो ये मंथरा क्या करती है भरत माती पहे कई पिलखानी भरत माती बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही क्या बात है क्यों हंस रही है परिवार में सब राजी खुशी है तेरे हाँ महारानी अच्छा राजी खुशी क्यों नहीं होगी जब अयोध्यावासी सब
खुशियां मना रहे हैं तो हमारी चंदा क्यों खुश नहीं रहेगी? जी महारानी, महलों में खुशियां मनाई जा रही है। हाँ। जब तेरा ब्याह घर आए नित्य नव मंगल बोध बधाई। जब से मेरा बेटा राम ब्याह कर आया है तब से अयोध्यावासी खुशियां मना रहे हैं। अयोध्या की नारियां, अयोध्या की स्त्रियां नए नए मांगलिक गीत गाती हैं नित्य, और अयोध्या के पुरुष अपने अपने घरों को नए नए ढंग से सजाते हैं। तो इन खुशियों से हम वंचित क्यों रह जाएं? आज मेरा मन करता है कि कोई एक मांगलिक गीत गाए। गौरी 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 मंगल चारो केवल चार। गाना तो ये कही जाती थी लेकिन ये चार क्यों? समझी ये चार क्यों? चार ही मेरे पुत्र हैं, चार ही मेरी बहुएं हैं, सिया मांडवी उर्मिला सुत कीर्ति। चार ही वेद हैं, आभास होता है मुझे कि चार वेद अदृश्य होकर अपनी अपनी श्रुतियां अयोध्या में आकर सुना रही हूं। गौरी 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 मंगल चार सखी शुभ कहूं तो तू नाराज तो नहीं हो जाएगी? जी नहीं महारानी। सच्ची 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 बोल। सच्ची बोल रही महारानी। अच्छा। हाँ, कई दिनों से एक बात मेरी हृदय में घाव कर रही है। जब से मेरे महलों में चार बहुओं का आगमन हुआ है तब से चक्रवर्ती चूड़ामणि अवधनपाल मेरे महलों तक नहीं आए। राज दरबार में ही रहते हैं, प्रजा पालन करते रहते हैं कि
क्या उन्हें हमारी सुध तो नहीं भूल गई? या वो हमसे नाराज है? नहीं महाराज, आपको बहुत प्रेम करती है महाराज। अच्छा हाँ, तो फिर मेरे पास आई क्यों नहीं? आज ना जाने मेरा हृदय खिन्न हो रहा है। ऐसा मत कहिए महाराज। अब क्या करूं? तीर